काम है नहीं रोड पे बिल्कुल भी, गर्मी इतनी पड़ रही है। गैस जो मान लिया 250 रुपए की एक बार में डलती है, पूरे दिन में 500 रुपए की गैस डल जाती है। पहले हम लोग मतलब 100-150 का डलवाते थे, अब मतलब 200-250 का डलवाना पड़ता है, कभी 300 का भी डलवाना पड़ता है। पहले 150 की भराते थे, अब 250 की भरवा रहे हैं। 100-150 रुपये रोज का ऐसे नुकसान जा रही है, जिससे हमारी कमाई में कोई फर्क नहीं पड़ा है। हमें कस्टमर वही दे रहा जो 3 महीना पहले दे रही थी, वही आज भी दे रहा। पेट्रोल डीजल के बाद CNG की बढ़ती कीमतों ने गाड़ी चालकों को मुश्किल में डाल दिया है। गुरुवार को लगातार दूसरे दिन CNG की कीमतों में इजाफा किया गया है। इस ताज़ा बढ़ोतरी के बाद CNG गुरुवार को 2.5 रुपये प्रति किलो महंगी हो गई। इसके बाद बीते 6 दिनों में CNG 9 रुपये से भी ज़्यादा महंगी हो गई है। पिछले करीब 4 महीनों में CNG की कीमत में करीब 20 रुपये प्रति किलो का इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम से परेशान लोगों के लिए CNG कुछ हद तक सस्ता विकल्प था, लेकिन अब जिस तरह से CNG रेस लगा रही है, उससे लोगों में हड़कंप मच गया है। पैसा देने की राजी नहीं है और मीटर से चलना ही पड़ता है। मीटर से हम चलते हैं, लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाता है, बहुत CNG लगता है। 200-250 का CNG लग जाता है, इसमें क्या बचाएंगे। 40-45 रुपये था, 2-1.5 महीने के अंदर CNG का रेट कम से कम तो 20-25 रुपये बढ़ गए, और इतना फर्क पड़ रहा है रेट में, जो है रेट की वजह से, और दूसरा गाड़ी में, गाड़ी जो चला रहे हैं उसमें जो भी हम सवारी मिलती है रेट वही मिल रहा है, और जो पैसे हैं एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे हैं। क्या है कि काम इतना है नहीं, सवारी पैसा देना नहीं चाहती है, CNG का दाम दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, क्या करे आदमी। CNG की कीमतों में जारी बढ़ोतरी के जल्द थमने के आसार भी नहीं है। जिस तरह से हाल ही में सरकार ने नेचुरल गैस की कीमतों को दोगुना कर दिया है, उसके बाद अनुमान है कि CNG की कीमतों में कुल 16 रुपए प्रति किलो तक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं घर की रसोई तक आने वाली पाइप नेचुरल गैस भी 10 रुपए प्रति SCM तक महंगी हो सकती है। साफ है कि इससे लोगों के लिए घर और गाड़ी चलाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। 2 महीने के अंदर इतने ज़्यादा बढ़ गया, 43 था, आज देखो कितना हो गया, 70 के आसपास हो रहा है, क्या होगा इसमें, बहुत प्रॉब्लम हो रही है घर चलाने में सर। जो हमें सैलरी मंथली में मिलता है उसी पे हमें मैनेज करना पड़ता है, तो गवर्नमेंट को तो ये चीज़ सोचना चाहिए कि थोड़ा जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए सोचना चाहिए। जो बड़े लोग हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे कितना भी डलवा लो आप। तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाह रहा हूँ कि थोड़ा जो मिडिल क्लास के लोग उनके बारे में सोचना चाहिए। बच्चों की फीस नहीं भरी जा रही है सर, मकान किराया नहीं दिया जा रहा है सर, और दो वक्त की रोटी नहीं निकाली जा रही, ऐसी हालत हो रही है सर। हर 5वें रोज़ 3रे रोज़ 2रे रोज़ CNG बढ़ती है, पेट्रोल बढ़ता है, उससे सभी लोग बहुत परेशान है सर। दरअसल फ्यूल की कीमत बढ़ने से केवल गाड़ी चलाना ही महंगा नहीं होता है, बल्कि ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ने से हर सामान महंगा हो जाता है। इसके असर से जरूरी दवाओं से लेकर रेस्टोरेंट में खाने तक हर सामान पर महंगाई का अटैक हो रहा है। मान लो हमारी सैलरी 12-13 हज़ार रुपये हो तो कैसे गुजारा चलेगा बताओ, पेट्रोल इतना महंगा कर रखा है, क्या कर सकते हैं इसमें, तो सरकार की गलती है इसमें, तो बहुत बुरा हाल है, हर चीज़ बढ़ गई है, पेट्रोल से सब चीज़ें बढ़ जाती है, पेट्रोल से बहुत असर पड़ता। फिलहाल तो रूस यूक्रेन युद्ध के असर से फ्यूल के दाम कम होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। ऐसे में गेंद सरकार के पाले में है कि वो किस तरह से टैक्स घटाकर या किसी और फॉर्मूले से लोगों की जेब पर हो रहे इस वार को रोक पाती है। आज तक जो वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।